जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक टिकती हैं वो जल्दी नहीं मिलती। जी हाँ, हर फील्ड में जिस क्षेत्र में आप लोग हैं उस क्षेत्र में आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर समय अधिक लगे तो समझ जाना कि आप एक गलत ट्रैक पर चल रहे हो, आपके पास एक गाइडेंस की कमी है। सलाह सिंह दुनिया में भरे पड़े हैं, तो किसकी सलाह आपके लिए बेनिफिशियल है और किसकी सलाह आपके लिए हानिकारक, ये जज करना पड़ेगा आपको। मेरी इन बातों पर प्लीज ध्यान जरूर दीजिएगा। विदाउट एनी डिले शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो भाग 51। इसमें हम कवर करेंगे सेट 25 से लेकर के 30 तक, जो भी इस बुक में सेट दिए गए हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सेट 25, पहला जो इम्पोर्टेंट जो लाइनर जी के है इसमें, वो ये है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। इस पेज पे जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो केवल मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही हाईलाइट कर रखे हैं, बाकी सब चीज़ें मैंने स्किप करवा रखी हैं। जो बच्चे क्वांटिटी पर बिलीव रखते हैं वो एक एक लाइन को पढ़ सकते हैं, जो बच्चे केवल क्वालिटी पर बिलीव करते हैं तो वो केवल जो पॉइंट मैंने हाईलाइट करवा रखे हैं उसको ध्यान से देखिए, उसको पेन डाउन करिए जो आपको नहीं आता हो। तो देखिए ये जो अनुपात है वो है 3:2। तो देखिए अब मुझे एक चीज़ बताइए, 3:2 में हमारी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, तो इसमें जो सेंटर पे जो सर्कल होता है उसमें कितनी तिल्ली होती हैं? 24, बिल्कुल होती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि सीड्स पर कौन सा रंग होता है, तो ये मुझे आप करेंगे कमेंट एक बार कि सीड्स पर कौन सा होता है। मध्य में होता है वाइट, फिर उसमें होता है आपका अशोक चक्र, और नीचे कौन सा होता है, सबसे लास्ट में होता है आपका ग्रीन कलर। तो देखिए क्या था, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया, तो वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को, ये भी आपको याद रखना है। तो ध्वज से संबंधित जो भी सारी बातें थी मैंने आपको क्लियर कर दी, राइट? तो जो क्वेश्चन है कि टॉप में फ्लैग में कौन सा कलर होता है वो मुझे आप भेजेंगे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, तो ये है हमारे न्यूटन। देखिए न्यूटन से संबंधित मैंने आपको बातें बताई थी कुछ पिछले से पिछले वीडियो में, मुझे नंबर याद नहीं है। न्यूटन के कुल लॉ कितने थे, कितने नियम थे, तो ये थे आपके 3 नियम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में जो नियम था वो मैंने आपको बताया था कि बंदूक की गोली चलने पर शीशे में गोल छेद हो जाता है, लेकिन जब पत्थर पड़ता है तो शीशा क्या होता है, चकनाचूर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कि हथौड़े को हत्थे से कसने के लिए उसको ज़मीन पर क्यों मारते हैं, तो ये कौन सा लॉ है, तो ये फर्स्ट लॉ है। तो बाकी ये भी लॉ मैंने आपको बताए थे, अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चाहें तो वो वीडियो वॉच कर सकते हैं चाहें तो, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास जियो का डाटा 1 GB है, तो आपको पर डे मैनेज करना है, ढेर सारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कि आपको कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं। मैं बढ़ता हूँ अगले पॉइंट की ओर कि प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य क्या होता है, तो ये होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना, तो ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। अगला पॉइंट है सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है, तो ठीक है ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है और आगे भी बनेगा और बनता रहेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना है। अगला पॉइंट है कि अध्यादेश जो जारी होता है उसको जारी करने का राइट किसके पास में होता है, किसके पास उसका अधिकार होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास। अगला पॉइंट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था विश्वनाथन आनंद को। अगला है सेट नंबर 26 कि बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद। और अगला पॉइंट है हमारे सामने ITDC, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन टूरिज्म्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी सेंटीमीटर होती है, तो ये होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में मादा एनोफिलीज मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है,
कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल हैं और भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया गया था। सेट 27, सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी और रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? थाईलैंड है। और मुद्रास्फीति सबसे अधिक ऋणी के लिए लाभदायी होती है। भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारित समय कितना होता है? तो ये होता है आपका 52 सेकेंड। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक चंगेज खां 1221 था, मतलब 1221 में था ये। और बीजक के लेखक कौन है? तो ये है कबीरदास। सेट नंबर 28। 28 में कुछ चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि 20 अगस्त में कौन सा डे इसके रूप में मनाया जाता है? 20 अगस्त, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है आपका सद्भावना दिवस। राजा राममोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि अंग्रेजों ने किसको आधुनिक भारत का नक्षत्र कहा था, या भारत का आधुनिक नक्षत्र की संज्ञा दी थी। तो चार नाम आपके सामने होंगे पर्सनालिटी के, तो आपको राइट आंसर याद रखना है राजा राममोहन राय। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव होता है, तो कितने डिग्री का झुकाव है? तो ये आपका 5 डिग्री का। सेट 29, शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है और तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कार्बन तथा लोहा होता है। और भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो उस समय वायसराय था आपका लॉर्ड हरिपन। देखिए ये जो टॉपिक है ना आपका जनगणना, ठीक है, तो ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 2011 में, ठीक है। और अब समय बहुत हो चुका है, तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो इसके एक अलग से एक नोट्स तैयार कर लो इस टॉपिक के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगते हैं वो आपको पेन डाउन करने हैं, उसको याद करना है। तो यहाँ से आपका एक रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन डैम श्योर बनने वाला है। राइट, बढ़ते हैं आगे। देखिए चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के इक्वल होता है? एग्जाम में ये पूछता, तो ये होता है पृथ्वी के 14 दिन के बराबर। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था और 1 घंटे के समानांतर के लिए देशांतर दूरी कितनी होती है? 15 डिग्री। सेट 30, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी कब? ये हुई थी 1951 से लेकर के 1956 के बीच में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत किसने करी थी? इसकी शुरुआत करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या हुआ था ना, इसके अंतर्गत हमारे भारत को काफी बेनिफिट मिला था। जैसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र था वो था आपका उद्योग से संबंधित। जैसे आपको पता होगा भिलाई इस्पात संयंत्र जो स्थापित हुआ था, तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था आपको याद है? पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताई थी, किसी एक वीडियो में, एग्जैक्ट पिछले वीडियो में नहीं, पार्ट 41 या 39 था, ऐसा कुछ था। तो देखिए काम की बात अगेन रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ चीजें क्या पता मैं स्किप कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप पिछला वीडियो वॉच कर सकते हैं। देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र जो स्थापित हुआ था वो हुआ था सोवियत संघ मतलब रूस की मदद से। कब हुआ था? 1956 में। और ये कहाँ पर है भिलाई? भिलाई है आपका छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थापित हुआ था। अगला हुआ था आपका दुर्गापुर, कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंग जिसे बोलते हैं। और किसके सहयोग से हुआ था? ये हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से। अगर बात करें आपसे राउर केला इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? उड़ीसा में। किसकी हेल्प से हुआ था? जर्मनी के सहयोग से। और उसके बाद में काफी सारी चीजें हुई थी, जैसे बोकारो है, बोकारो आपको झारखंड में पड़ता है, तो ये भी रूस की मदद से हुआ था। तो रूस की हेल्प से दो चीज हुई थी, एक तो भिलाई स्थापित हुआ था और एक हुआ था आपका बोकारो। तो ये चीजें आपको टिप्स में याद होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ टिप्स में, ये सब चीजें होती है प्रैक्टिस से, क्योंकि रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप सफलता चाहते हैं तो रिविजन आप करिए। टोटल दिन में जितना भी आप घंटे पढ़ते हैं, जो भी आप टाइम निकालते हैं पढ़ने का, उसका कम से कम 40-50% रिविजन में जरूर दीजिए। वरना सिंपल ऐसे ही होगा, आगे बढ़ते जा रहे हैं पिछला भूलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं पिछला भूलते जा रहे हैं, फिर कहानी गोल डब्बा गोल, बस टोपी पहन के एग्जाम में टोपा बन के वापस आ जाएंगे हम लोग।
यही तो होगा, और यही चीज होती है। बाकी किसी चीज को मेरी बात का बुरा लग रहा हो तो उसके लिए फिलहाल मैं शायद सॉरी तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए कभी कभी ये डांटना आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है। जो भी मैं आपसे बातें करता हूँ यहाँ वहाँ की, ये कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन शायद 6 मंथ पहले करवा देंगी, क्योंकि डांट भी जरूरी होती है अपनों की। चलिए देखिए, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर H.J. भाभा। और सांभर लवण झील कहाँ पर है? तो ये आपके राजस्थान में। और सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पोर्क। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और बाकी की जो बुक है, सबसे पहले ये बुक हमारी चल रही है, ठीक है, ये ख़त्म समझ लो ये होने वाली है। अब तक आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, फटाफट से पहले इसको ख़त्म करिएगा, इसके वीडियो वॉच करिएगा, उसके बाद में आप ये MCQ जो क्वेश्चन हैं इसमें पूरे GK के प्रैक्टिस सेट हैं, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों ही बुक के वीडियो इस चैनल पे कंटिन्यू चल चुके हैं, वो सभी के सभी वीडियो आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। अगर लगता है पढ़ने का टाइम है, अगर आपको लगता है कि बिना पढ़े सिलेक्शन हो पाएगा, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं उन सब के लिए तो मेरे दिल से उनको ऑल द बेस्ट है ही। लगे रहिए, हार मत मानना, करो या मरो की नीति अपनाओ, मतलब कि यही एग्जाम क्रैक करना है। ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है कि ये भी बुक ले आओ वो भी बुक ले आओ, घर को अपना बुक से लेके दुकान बना दो, ये मत करना। सिलेक्टेड बुक पढ़िए, इन तीनों बुक का परचेज कर सकते हैं मार्केट से, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक का लिंक दूंगा, वहाँ से आप बुक को परचेज कर लेना, जहाँ से भी बेस्ट लगता है वहाँ से करिए। लेकिन पढ़ना तब जब अपना साथ प्रॉमिस करो कि हाँ यार मैं ये बुक पढ़ूंगा, वरना भी फालतू पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी शायद बहुत पैसा खर्च कर चुके होंगे आप लोग, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी रही बात, देखिए आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, फ्लैग के टॉप में कौन सा कलर होता है, उसका मुझे आप रिप्लाई करेंगे पक्का, ठीक है? तो मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। लेकिन उससे पहले प्लीज़ यार एक लाइक का बटन प्रेस कर दो, और इसी वीडियो को शेयर कर दो फेसबुक और व्हाट्सएप पर।